आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई जोन के कट ऑफ के बारे में, जो आरआरबी जे की कट ऑफ है। चेन्नई जोन की एक बहुत बड़ा जोन है चेन्नई जोन, उसी के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग क्या हो सकती है इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कट ऑफ के पहले आपको हम बता दें कि जैसे मैं पिछली वीडियो में एनालिसिस करते आया हूँ और सारी कट ऑफ का, वैसे चेन्नई में भी करूंगा। इसमें जो टोटल फॉर्म भरे हुए हैं वो 4,56,719, कहने का मतलब एक बहुत ही बड़ा जोन है और सबसे ज्यादा फॉर्म यहाँ पे पड़े हुए हैं मुंबई में और चेन्नई जोन में। तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हायर रहेगी अन्य जोन की अपेक्षा में। टोटल जो सीट थी यहाँ पे कम थी मुंबई की अपेक्षा में, 1183 सीट है। कॉम्पिटिशन रेशियो की बात करें तो कॉम्पिटिशन रेशियो में 386 कैंडिडेट पर सीट पे आ रहे हैं, तो मतलब कट ऑफ इसमें काफी ज्यादा हाई जा सकती है। CBT2 का में जो बुलाएंगे वो पूरे सीट का 15 गुना बुलाया जाएगा। मैं दो फैक्टर पे बात करता हूँ हर बार, नॉर्मलाइजेशन और डिफिकल्टी ऑफ द पेपर पे, कैसे पेपर आ रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। अब कट ऑफ एनालिसिस करने से पहले आपको अगर जो भी कट ऑफ आपको लग रही है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो हमारे साथ दोस्तों बने रहिए, इसी तरीके हम कट ऑफ की बात करते हैं। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है जो मैं आपको हर वीडियो में बताता चला आ रहा हूँ कि ये 40% जनरल का, 30% OBC का, 30% SC का और 25% ST का, ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो काफी हायर कट ऑफ रहेगी अन्य जोन की अपेक्षा में। सिविल का जो जनरल का कट ऑफ है वो 62 से 66 के बीच, OBC का 60 से 64 के बीच, SC का 55 से 60 के बीच, ST का 50 से 55 के बीच, और इलेक्ट्रिकल का 62 से 64 के बीच जा सकता है, OBC का 60 से 62 के बीच, SC का 58 से 60 के बीच और ST का 55 से 58 के बीच जा सकता है। मैकेनिकल का जो है 62 से 63 के बीच, OBC का 58 से 60 के बीच, SC का 56 से 58 के बीच और ST का 54 से 56 के बीच कट ऑफ जा सकती है। तो ये कट ऑफ दोस्तों मैं बहुत ही सिंपल वे में लाया हूँ कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ मेरा इतने मार्क्स अगर आएंगे तो क्या मैं CBT2 की तैयारी शुरू करूँ। तो इसलिए मैं ये कट ऑफ आपके सामने लाया हूँ आपकी डिमांड पे ही। इसी तरीके किसी और जगह कट ऑफ एनालिसिस करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। GS Spark चैनल आपके लिए हमेशा हर एक टॉपिक लाता रहता है। ओके दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।